ये तो कल तक खबर चल रही थी, आज तो शायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब को, जी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस खबर को बेबुनियाद साबित किया है। अब आप अफवाहों पर मत जाइए, अगर हम अफवाहों पर जाएं तो उनका कोई मतलब हिसाब किताब ही नहीं। दे हम कॉल ले मीटिंग कर रहे हैं, क्या हुआ आपको? मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर के आजाद साहब के कहने पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए तो फिर ठीक है ना, आप अफवाहों पे जो है उनको तवज्जो दे दीजिए। मैं तो मानता हूँ कि कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडरों में जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब गिने जाते हैं, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस में जम्मू आज़ाद साहब से सीनियर कोई है नहीं। जब आज़ाद साहब कहते हैं कि कोई गुंजाइश नहीं है पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत बनाने की, तो उसमें अब और कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। सर आप असेंबली डिसॉल्व करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ना उससे इन अफवाहों से हमें नजात हासिल होगा। किन अफवाहों से? ये जो बार बार खबरें आ रही हैं कि 15 MLA, 17 MLA, 20 MLA कांग्रेस अलायंस, कोई कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जाके मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपनी सपोर्ट जो है देने के लिए तैयार हैं, इन अफवाहों से बचने के लिए। लेकिन अब हम इलेक्शन की मांग नहीं कर रहे हैं फौरी तौर, हम भी जानते हैं कि इन हालात में इलेक्शन करना जो है नामुमकिन होगा, खासकर जब आप देखें साउथ कश्मीर में उस पार्लियामेंट सीट को वो इलेक्शन नहीं कर पाए जिस पार्लियामेंट सीट को महबूबा मुफ्ती साहिबा ने खुद छोड़ा है। तो इन हालात में अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि फौरी तौर असेंबली के इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, तो हमारा ये मांगना नहीं है कि आप असेंबली डिसॉल्व करो तो फौरी तौर इलेक्शन करो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप असेंबली डिसॉल्व करिए, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख की बात बाजार में चल रही है इसका जो है एक इलाज हो जाए। सर बीजेपी ने फिर एक बार जो आर्टिकल 370 और बाबरी मस्जिद का राग अलापना शुरू किया है, तो आप समझते हैं कि 2019 में अगर बीजेपी फिर से आती है तो वो इरोड करेगी 370 को? जब अभी तो फिलहाल 370 और 35A जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जेरे गौर है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद ये कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद इस 370 को दोबारा उठाया जाएगा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद सियासी तौर बीजेपी का क्या रहेगा। लेकिन आप बीजेपी वालों की आदत है, वो इलेक्शन जीतने के लिए मुद्दे उठाते हैं और फिर इलेक्शन जीतने के बाद उन मुद्दों को ठंडे डब्बे में रखते हैं। अभी तो मोदी साहब को 4 साल हो गए हुकूमत में, अगर 370 पर उनको कुछ करना था तो कर लेते, अगर बाबरी मस्जिद के जाए राम मंदिर बनाना था तो बना लेते। बदकिस्मती से इन जैसी तंजीमों की आदत है लोगों के जज्बात से खेलने के लिए, वो मुद्दे उठाते हैं, वोट हासिल करते हैं और फिर उन मुद्दों को भूल जाते हैं। उमर साहब इंस्टीट्यूशंस काफी इरोड हो गए हैं, सकीदा जी ने, डॉक्टर गिरी साहब ने, मजीद साहब ने खासकर काफी आवाज उठाई थी सर, जो जेके बैंक में तकरारियां हुई है उसके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? तब हमने गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन पर दोबारा गौर करने की जरूरत है। कुछ जगहों पर कागजी तौर पैसा खर्च हुआ है लेकिन अमली तौर उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। मैंने जैसे अभी अपनी मीटिंग में कहा, यहाँ हम तो चलिए 2014 में 7 या 8 दिन बारिश के बाद हम डूब गए, यहाँ तो 2 दिन बारिश के बाद डूबने की खबर आई। मुझे बताएं ना, अब अगर 400 करोड़ जो है ड्रेजिंग पे खर्च हुआ है तो वो कहाँ पे खर्च हुआ? क्योंकि झेलम में फिर पानी जमा हुआ, फ्लड चैनल पे फिर पानी जमा हुआ, लो लाइंग एरियाज चाहे वो साउथ कश्मीर हो सेंट्रल कश्मीर हो वहाँ पे लोगों के घरों में पानी गया, तो आखिर ये लोग कर क्या रहे थे? कहने के लिए जैसे मैंने कहा बहुत कुछ है, बीच बीच में हम गवर्नर साहब से मिले, आज भी यहाँ आने से पहले गवर्नर साहब ने बड़गाम में मीटिंग रखी थी, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के नुमाइंदे के तौर पे मैंने वहाँ पे बातें की और इन्हीं चीज़ों पे हमने गौर किया। उमर साहब, साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा किलिंग भी हुई, आप मानते हैं कि फुरुद बुरुद हुआ है जो फंड्स वगैरह, तो क्या इसमें जाँच होनी चाहिए? मैंने तो जाँच की मांग की हुई है। साउथ कश्मीर में ज्यादा किलिंग्स हुई, पैलेट भी चले, यहाँ पे सबसे ज्यादा किलिंग्स हुई, हालांकि आपके दौर में भी किलिंग हुई लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो हद ही पार कर दी। अब लोग जो सोशल मीडिया चलाता है कि आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, क्या तवक्का रखेंगे आपसे? आप मैं सोशल मीडिया पर नहीं जाऊंगा, हम अगली हुकूमत बनाएंगे या नहीं बनाएंगे इसका फैसला जब लोगों को करना होगा वो करेंगे। आज अगर हम किसी चीज पे जोर दें, हमें अमन पे जोर देना चाहिए, हमें इस खून खराबे को रोकने पे जोर देना चाहिए। मकसद मेरा कुर्सी पे बैठना नहीं है, अगर कुर्सी ही मेरी मंजिल होती तो मैं अभी तक कुर्सी पे बैठा होता, मैं या तो बीजेपी या पीडीपी या कांग्रेस के साथ किसी ना किसी तरह कुर्सी पे बैठ ही जाता, लेकिन कुर्सी मकसद नहीं है ना कुर्सी मंजिल है। मकसद आज हम सबका यही होना चाहिए कि रियासत में दोबारा अमन आ जाए,
जिन हालात में 2014 में हमने मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को हुकूमत हवाले की, कम से कम अगर और कुछ नहीं तो 2014 के ही हालात दोबारा इस रियासत में पैदा किए जाएं, उसके बाद फिर किसकी हुकूमत बनती है क्या नहीं बनती है वो हम तब बात